हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज हम एक ऐतिहासिक विषय पर चर्चा करेंगे जो वर्तमान से बिल्कुल जुड़ा हुआ है और उस विषय की तुलना इतिहास और वर्तमान के आधार पर करेंगे। आज़ादी के बाद से हमारा देश उत्तरोत्तर प्रगति करता चला गया है और आज हम विश्व की पाँचवीं अर्थव्यवस्था से ऊपर निकल रहे हैं। हम परमाणु संपन्न देश हो चुके हैं और हम कई मायनों में बहुत आगे निकल गए, लेकिन आखिर हम कभी पीछे क्यों चले गए थे? हम इतने शोषित वंचित क्यों किए गए? इसके पीछे कौन है? मैं इस पर वैज्ञानिक चेतना की बात करूंगा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 क में 42वें संविधान संशोधन के जरिए इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 में आपातकाल के दौरान जो संशोधन करवाया उसमें लिखवाया कि हर कोई नागरिक अपने भीतर वैज्ञानिक चेतना का विकास करे। ऐसा उन्होंने क्यों लिखवाया? इसलिए कि लोग परंपरागत विचार से चल रहे थे, वैज्ञानिक विकास को नहीं मान रहे थे, इस नाते समाज में बदलाव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हमारी परंपराएं जो थी वो बड़ी रूढ़ थी, वो कुछ ऐसी थी, वो समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को अछूत या हेय देखने वाली थी। मैं इन सबको समग्र रूप से यहां पर शूद्र शब्द से संबोधित कर रहा हूं, यद्यपि कि इनके कई नाम कई वर्गों के लिए अलग अलग प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे दलित, एससी, एसटी, ओबीसी की कुछ जातियां, अति शूद्र, अछूत। लेकिन आज अपने इस व्याख्यान में मैं सबके लिए शूद्र शब्द का प्रयोग करूंगा और स्त्रियों को भी मैं इसमें अपने व्याख्यान के प्रयोजन से शामिल कर रहा हूं। तो क्या शूद्रों को पीछे छोड़ देने से ही भारत पीछे हुआ था? हम देखते हैं कि आजादी के बाद हमारा देश आगे बढ़ा, हमने क्या क्या किया। सबसे पहले आजादी के बाद जमींदारी उन्मूलन करके जमींदारों से जमीनें लेकर के जोतने बोने वाले लोगों में दे दी गई। भूमिहीनों में भूदान यज्ञ के जरिए जमीनें बांटी गई जिससे कि वह स्वयं के लिए अन्न उगा सकें, पर आश्रित होने की बजाय थोड़ा आश्रित हो सकें। इससे सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ वह कृषि उत्पादन में एकाएक देश बढ़ने लगा, क्योंकि जब जमींदारों के पास हजारों हजार एकड़ जमीनें थीं तो उनका पेट तो थोड़े से में भरता था, शेष वह मनमाने ढंग से बटाई पर देते थे और जो बटाई पर खेत पाता था उसके लिए क्या है, आज अगर उसमें बहुत मेहनत से कुराई जुताई करे तो भी आधा हिस्सा देना पड़ता था जमींदार को, और जमींदार अगली बार उसको बोने जोतने के लिए देगा कि नहीं देगा कोई निश्चित नहीं था। लोग अपने हाड़ मास से मेहनत करके काम करते थे, जमींदार के पास धन था वो सिंचाई के साधन लगवाता नहीं था, काम करने वाले के पास संसाधन था नहीं कि वो अपने खेती में अपने फसल को अधिक उगाने के लिए सिंचाई का साधन लगवा सके, और वो लगवाए भी तो कैसे लगवाए, अगली बार पता नहीं उसको बटाई पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सरकार ने आजादी के बाद दो काम किया इस छूटे हुए समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का, कि एक तो जमींदारों की जमींदारियां, रियासतदारों की रियासतें समाप्त करके आम जनता में जमीनें बांटी गई, और दूसरा सिंचाई के साधन विकसित किए गए। अब मजदूरों के पास, कृषि मजदूरों के पास स्वयं के खेत हो गए, लोग मालिक बन गए थे। और ध्यान से समझिएगा, इसमें केवल अत्यंत नीच जात के समझे जाने वाले, निम्न शब्द मैं नहीं लगाता लेकिन समाज में चलता है तो मुझे बोलना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा कि केवल वे ही जातियां नहीं हैं जिससे जिनको समाज में नीचे जात का समझा जाता है, तमाम ऊंची जातियों के लोग, क्योंकि सब लोग जमींदार नहीं थे, तमाम भूमिहीन ब्राह्मण भी थे, उनको भी जमींदारी उन्मूलन के बाद जमीनें मिली। तो ये लोग अब खुद से कृषि उत्पादन करना शुरू किए, और जब सब लोग खुद से कृषि उत्पादन अपने लिए कर रहे थे, अब बटाई पर नहीं देना था, तो हरित क्रांति सफल हुई। यानी उस समय की हमारी सरकारों ने संविधान बनने के बाद यह महसूस किया कि भारत क्यों गरीब हो गया, क्यों दरिद्र हो गया, क्यों गुलाम हो गया, क्योंकि भारत के लोगों ने अपने में से ही बहुत बड़ी आबादी को ढकेल दिया है, महिलाओं को पीछे छोड़ दिया, बहुत बड़ी आबादी में जिसको मैं शूद्र कह रहा हूं उनको पीछे छोड़ दिया, और फिर जो थोड़े से लोग बचे उनमें से भी जो गरीब थे उनको पीछे छोड़ दिया, जो और थोड़े से बचे जमींदार लोग
जमींदारों के घर में, रियासतदार के घर में तो बच्चे भी नहीं बोल पाते थे। उनका मन करे मुजरा देखें, उनका मन करे नाच करें, उनका मन करे भागवत करें, कोई उनको नियंत्रित करने वाला नहीं था, मनमाने ढंग से वो काम करते थे। यानी अगर समझा जाए तो 0.03% लोग सारे संसाधनों का अपने हिसाब से प्रयोग कर रहे थे, लेकिन एक चेतना जागी थी। तमाम जमींदारों के बेटे भी आजादी की लड़ाई में कूदे हैं। देश आजाद होने के बाद के लिए छूटे हुए लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जमीनें बांटी गई, सिंचाई के साधन दिए गए, तो भारत हरित क्रांति के लिए रास्ते पर चल पड़ा। और फिर उस समय की सरकारों ने वैज्ञानिकों को अपने पास ला करके किसानों से जोड़ दिया, जिससे सब भारत अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। यानी भारत मजबूत तब बना जब भारत के सभी लोगों में संसाधनों को दिया गया और सबको मालिक बना करके श्रम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। नहीं तो आज जो भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखा जाता है, नहीं पूरा हो पाता। हां, हमारे से उलट चाइना ने पूंजीपतियों को पैसा देकर के विकसित कर लिया है, लेकिन वहां मानव जीवन उतना आगे नहीं है। चीन जितना समृद्ध है उतना वहां का मानव विकास सूचकांक आगे नहीं है, वहां उस तरह के इंडेक्स में वो आगे नहीं जा पाता है। तो अगर हम भी ऐसी किसी व्यवस्था को अपना लेंगे कि केवल चंद लोगों को अमीर बना करके देश में धन का ग्राफ दिखा दें, तो ये देखने में ऊपर से तो चमकीला होगा, लेकिन वास्तव में देश के लोग गरीब होंगे। आप कल्पना करिए कि जिस समय यहां राजे रजवाड़े थे, ब्रिटेन के राजकुमार आए, जयपुर के राजघराना में उनका स्वागत हुआ, तो जयपुर के राजघराने में सोने के थाली में खाना खाएंगे तो वो तो यही देखेंगे ना कि पूरा भारत सोने के थाली में खाना खाता है। 500 तरीके के भोजन परोसे गए हैं तो समझेगा पूरा भारत 500 तरीके का भोजन करता है। लेकिन क्या ये वास्तव में भारत की तस्वीर थी? क्या ऐसा ही भारत था? तो इस नाते हम अपना विकास चंद लोगों के विकास से अगर मापेंगे तो फिर हमारा देश पीछे होगा, समाज पीछे होगा। महिलाओं को विकसित करने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए गए, उनके लिए अलग से विद्यालय खोले गए, महिलाओं को आगे स्कूलों में पढ़ाने को प्रोत्साहित किया गया। नहीं तो पहले 100% महिलाएं निरक्षर हुआ करती थी। हाँ, आप कोई अपना ग्रंथ ला करके पुराने जमाने की किसी देवी को, किसी विदुषी का नाम लेने लगेगा तो वो ठीक नहीं है। किसी की नानी नहीं पढ़ी लिखी थी, ये जान लीजिए। घर में कोई थोड़ा बहुत पढ़ा लिया हो बात अलग है, और जो लोग पढ़े लिखे भी थे वो लोग कर्मकांड पढ़ते थे। आज़ादी के बाद शिक्षा को बहुत आगे बढ़ाया गया, इसके जरिए लोगों में सोचने समझने की क्षमता विकसित हुई, और जब सोचने समझने की क्षमता विकसित हुई तो आविष्कार लोग करने लगे। तो हम जो है रेहट और बैल से उठ करके कहाँ चले गए? कल कारखाने और मशीन पर चले गए। मैंने अपने गांव में तमाम लोहार भाइयों को मशीन बनाते देखा है। जो कभी बैलों के जरिए देश काम करता था वो ट्रैक्टर पे आ गया। तो ये खेत किनके थे? अगर खेत सबके जमींदारों के होते तो कोई ट्रैक्टर नहीं लाते। सब में जब मालिकाना हक मिला तो सब लोग दौड़ दौड़ के संसाधन तलाशने लगे और देश विकसित हुआ। तो जब आज़ादी के बाद लोगों को जोड़ने से देश मजबूत हो रहा है, विकसित हो रहा है, तो ठीक इसका रिवर्स करके अब समझिए कि आज़ादी के पहले और बहुत पहले तक चले जाइए, देश गरीब कमजोर क्यों हुआ होगा? जाहिर सी बात है कि कोई भी ऐसा देश जो अपने ही लोगों को, खासकर श्रमजीवी जो श्रम करने वाले हैं, उनको हिकारत से देखने लगे, उन्हें अछूत मानने लगे, ये लोग फसल उगा के आए होंगे, ये खेत में काम करके आए होंगे, इनको इस तरह से दिया जा रहा है, ऐसी संस्कृति पर चलने वाला देश कभी समृद्ध नहीं हो सकता था। अपनी महिलाओं को कैद कर देने वाला देश कभी समृद्ध नहीं हो सकता। आप ईरान और अमेरिका का अंतर देख लीजिए। इजराइल में महिलाएं नौकरी कर रही हैं, बच्चे पाल रही हैं और हथियार भी चला रही हैं। ईरान में अगर लड़की ने मुहब्बत कर दी तो फांसी पर चढ़ा दिया जा रहा है। आगे कौन है? टेक्नोलॉजी में आगे कौन निकला? क्यों संविधान में लिखा गया कि वैज्ञानिक सोच का विकास करो?
और जब आप वैज्ञानिक सोच का विकास करते हैं तो सबसे पहला प्रहार आपके दिमाग में जिस बात पर आता है वो ऐसी कुप्रथाएं आपको दिखाई देती हैं कि इनको बंद किया जाना चाहिए। और ये केवल ये परंपराएं प्रतीकात्मक रूप से बंद हो जाए यही ठीक नहीं है, सोचना पड़ेगा कि ये क्यों है और इनको हटा देने से हमें क्या क्या लाभ मिल जाने वाला है। मुख्य धारा में सबको जोड़ना पड़ेगा। सारे गांव गांव में प्राइमरी स्कूल खोले गए आजादी के बाद, सभी जात के लोग एक ही टाट की पट्टी पर जब बैठना शुरू किए तो भारत का लिटरेसी दर आज कितना ऊपर चला गया। लेकिन एक ऐसी चिंता का सबब दिखाई दे रहा है कि आज जब फसलें लहलहा रही हैं भारतवर्ष की, किसी जाति वर्ग धर्म की नहीं, भारतवर्ष की, लगभग सभी परिवारों के बच्चे स्कूलों में पढ़ने लगे हैं, तब आज एक ऐसे दौर में हम आ गए कि हम सोच नहीं पा रहे हैं कि बच्चे को पढ़ाकर क्या करेंगे। नौकरी मांगने पर लाठियां पड़ रही हैं, वैकेंसीज क्लियर नहीं हो रही है, वैकेंसी आ रही है पेपर लीक हो जा रहा है, अगला पेपर फिर 3 साल 4 साल 5 साल बाद हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम पढ़ के क्या करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी पढ़ाई से हमको हतोत्साहित करने के लिए ये किया जा रहा है? अगर ये किया जा रहा है तो देश इतिहास की तरफ लौट रहा है जिधर अंधेरा था, न कि देश उजाले की तरफ जा रहा है। तो हमको ये समझना होगा कि हम जब कभी अपने में से कुछ लोगों के साथ भेदभाव करेंगे, वंचित करेंगे तो देश कमजोर होगा, जब कभी उन्हें समृद्ध करेंगे, सबको समृद्ध करेंगे, आपस में भाईचारा लेकर चलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। आज जो ज्वलंत उदाहरण सामने है, बहुत ही विभत्स है, वो है मुसलमानों का विरोध। मुसलमानों का हम अंध विरोध किए चले जा रहे हैं। सरकार में बैठे मंत्री किसी ऐसे आरोपी के मरने पर जिसका देश में और कोई योगदान नहीं है, तिरंगा चढ़ाने चले जाते हैं, लपेटने चले जाते हैं उसकी लाश पर, जो इस बात का आरोपी है कि उसने किसी मुसलमान की लिंचिंग करके हत्या की थी, उसके अलावा उसका और कोई भी नाम नहीं है, वो उसकी कोई और पहचान नहीं है। याद होगा मंत्री लोग गए हैं उसको तिरंगा लपेटने। आज आप पूरे एक वर्ग को नारा लगाकर कह रहे हैं कि तुम इसका बहिष्कार करो, हम सब इसका बहिष्कार करो, ये यहां कुछ नहीं करेगा। अगर हम यही कर रहे हैं तो कहीं हम फिर अंधेरे युग में तो नहीं जा रहे हैं? वंचित आप किसी को करें, जात से मतलब नहीं है, लिंग से मतलब नहीं है, धर्म से मतलब नहीं है। अगर समाज के किसी तबके को आप उस समाज के नाम पर वंचित कर देंगे तो बाद में वो अपराधी बनेगा या शोषित होगा, देह व्यापार में लिप्त हो जाएगा, शेष समाज को दूषित कर देगा। तो ऐसा करने से देश को बचाना है। हमको यह समझना है कि जब हम अपने में से ही तमाम लोगों को महत्व नहीं दिए हैं तब हम गुलाम हुए हैं, जब हमने महत्व दिया तो हम आगे गए। एक बात मेरे समझ में आती है कि आखिर हम इतनी बार गुलाम क्यों हो गए? क्योंकि हमारे यहां 4 वर्ण बनाए गए। शूद्र के कार्यों की निगरानी क्षत्रिय भी कर लेगा, ब्राह्मण तो करेगा ही करेगा, वैश्य भी कर लेगा, क्योंकि अगर ये सेवा सही से नहीं करेगा तो ये तीनों ही इसको दंडित कर देते थे। तो ये दंड के डर से अपना काम बड़ी मेहनत से करता था। इसी नाते भारत में जो पुरानी इमारतें बनी हैं वो पत्थर काट करके, चाहे ताजमहल में लगा हो और चाहे किसी मंदिर में लगा हो, पत्थर काटने वाले तो शूद्र थे। वो कितना सुंदर कला का अपना प्रदर्शन करते थे कि एक एक नक्श जाके देखे सब एकदम मिलता हुआ दिखाई देगा। इतनी कलाओं का विकास उनमें हो गया, लेकिन क्या वो कलाओं के अनुपात में भोजन पाए? क्या उन कलाओं के अनुपात में वो सम्मान पाए? फिर इतनी कला का विकास उनमें क्यों था? उनकी कला का विकास का कारण उसको दंडित हो जाने का डर था। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि फिर जिनको दंडित होने का डर नहीं उनके अंदर विकास रुक गया होगा। तो क्षत्रिय को कौन दंडित करेगा, ब्राह्मण को कौन दंडित करेगा? फिर ब्राह्मण अगर पूजा किया नहीं किया, न्याय किया नहीं किया, अपने दायित्व सही से निभाया नहीं निभाया, उसे कौन जांचेगा? हाँ, बीच में कोई यहां यह कहने न आ जाए कि पहले व्यवस्था जो है जन्म आधारित नहीं थी, कर्म आधारित थी, कभी नहीं थी।
किसी को सम्मान कभी दे दिया गया वो अलग बात है, और चाहे इतिहास में कुछ भी किया गया, ग्रंथ में कुछ लिखा गया, व्यवहार में अगर इतना अच्छा था तो आज ही चलिए एक प्रतियोगिता करा लेते हैं। ऊंची जात के जिन लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि पहले कर्म आधारित थी, उनको मैं चुनौती देता हूं कि अपने ही घर और मोहल्ले से पहले परीक्षा शुरू करें कि उनके मोहल्ले में कितने लोग ऐसे हैं जिनमें शूद्र के गुण हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनमें वैश्य के गुण हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनमें क्षत्रिय के गुण हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जिनमें ब्राह्मण के गुण हैं। शेष गांव के लोगों को बुला करके, 2-4-10 अलग गांव के लोगों को बुला कर प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता कराएं, और फिर जो बच्चे शूद्र निकले उनको भेज दें दूसरे टोले में, तब तो हम जान लेंगे कि जन्म आधारित नहीं थी, कर्म आधारित थी, और नहीं तो एक पूरी लफाजी है, सच्चाई से भागने का एक बहाना है। तो मैं फिर अपने उस विषय पर चलता हूं, उस चिंतन और तर्क पर कि छत्री की कॉपी कौन जांचेगा। छत्री की कॉपी युद्ध जांचते थे, कहीं बाहर से युद्ध हुआ तो मरना पड़ेगा, अगर नहीं तलवार चलाने आएगी तो अगर कोई छत्री फेल हुआ तो मर गया या अधीन हुआ, दो में से एक काम, या तो फेल हुआ या अधीन हुआ, या तो उसने संधि की या फिर शहीद हुआ, संधि या और शहादत दो ही उसके पास विकल्प बचा। लेकिन ब्राह्मण की कॉपी तो कोई नहीं जांचने वाला था, और उस पर भी हद तो यह हो गई कि जब ग्रंथों में हमने लिख दिया कि सकल गुणों से ही न तब भी पूजा कर लो, अब इसका अर्थ कोई व्याकरण विद हमको न बताएं। हमने समाज में जो देखा है कि निरक्षर और मूर्ख टाइप का ब्राह्मण है तब भी उसको सम्मान समाज देता है, हाँ जी सारा समाज सम्मान देता है, हर वर्ण जात के लोग उसको सम्मानित करते हैं सिर्फ इस नाते कि वो ब्राह्मण है। ये कर्ज है हमारे पर से समाज के लोगों का, इस नाते हमको सही से सच्चाई स्वीकार भी करनी चाहिए। तो एक तो हम वैसे ही नहीं जांचे जा सकते थे, मनुस्मृति में लिखा है कि किसी अयोग्य ब्राह्मण को दान करना का मतलब गाय की जगह गधे को रोटी खिलाने जैसा है, ये जगह लिखा है। लेकिन उसी मनुस्मृति में आगे लिखा है कि लेकिन ब्राह्मण कोई योग्य है कि अयोग्य, इसकी परख वैश्य शूद्र और क्षत्रिय कर ही नहीं सकते, उनमें यह क्षमता ही नहीं है। तो वैश्य शूद्र और क्षत्रिय तो योग्यता रखते नहीं है, ब्राह्मण में से अगर नहीं किया गया उसको निकाले नहीं तो पंडित जी हैं बहुत बड़े, अपने बेटे को कैसे निकलवा देंगे। आज अपने नेताओं से ही देख लीजिए, नेताजी बड़े योग्य हैं, बेटा नालायक है, लेकिन अब उसको भी ढोना है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। किसी खेल की कोई योग्यता किसी के पास नहीं है, लेकिन नेता पुत्र है तो उस खेल का वो अध्यक्ष बन जाता है, पार्टी का अध्यक्ष बन जाता है। तो ये अयोग्यताएं चली हैं। इस तरह से साबित हुआ कि अगर हम वैज्ञानिकवाद का विकास करेंगे, वैज्ञानिक तर्क का विकास करेंगे, और हम हर तरह के भेदभाव से मुक्त होकर समाज को देखेंगे तो देश आगे जाएगा। तमाम लोग मनवादी और सामंतवादी का मतलब केवल ऊंची जातियों से लगाते हैं, आपकी ये सोच गलत है। आज ही एक विधायक विजय मिश्रा जी को, पुराने विधायक, और जी मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि अपराधी है, तो आज ही सपा के पूर्व विधायक विजय मिश्रा, भदोही से जो पूर्व विधायक रहा है, उसको MPMLA कोर्ट ने 15 साल की सजा दी है, इस पर समाचार है। पता करिए कि उसको सामाजिक संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण देने वाले लोग किस किस जाति के थे, किन लोगों की सरकारें थी। तो आप केवल और केवल जातिगत मानसिकता से मत देखिए, धर्मगत आधार पर भेदभाव मत करिए, थोड़ा ऊपर उठिए, व्यक्ति की बात को पहचानिए, देखिए वो क्या कह रहा है। अगर वो सही बात कह रहा तो सही बात मान लीजिए, वो खराब कह रहा वहां उस बात को खारिज कर दीजिए। और ऐसी चेतना सबके अंदर प्रकृति ने दे रखी है, सब समझ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।